महानगर स्थित गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सोमवार को एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ल, विशिष्ट अतिथि संजय श्रीवास्तव, हरिद्वार सिंह व अध्यक्षता महाविद्यालय के व्यवस्थापक आशुतोष मिश्र ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं को संबोधित करते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करने से वाहन चलाने के दौरान सुरक्षित रहा जा सकता है, साथ ही दुर्घटनाएं भी नहीं होती हैं। अधिकांश दुर्घटनाएं केवल यातायात नियमों का पालन न करने के कारण ही होती है। बाइक सवार हेलमेट और चार पहिया सवार सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन चलाएं, इससे खुद की जान सुरक्षित रहेगी और सामने वाला भी सुरक्षित रहेगा। साथ में बाइक और कार के कागजात हमेशा दुरुस्त रखें, अपने बाएं से चलें, ट्रैफिक सिग्नल का नियमानुसार पालन करें, रोड पार करते समय जेब्रा लाइन का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा के लिए नियम और कठोर बन रहे हैं। मार्च माह से महानगर के 9 ट्रैफिक सिग्नलों से ऑनलाइन चालान होगी। यदि कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करेगा तो ऑटोमेटिक कैमरे के माध्यम से देखकर उसका चालान घर भेज दिया जाएगा। अतः यातायात नियमों की अनदेखी से बचे। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कॉलेज की उप प्राचार्य तथा एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी, एनसीसी अधिकारी एवं सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर गौरी पांडे, डॉक्टर नूतन त्रिपाठी, डॉक्टर प्रत्या उपाध्याय, डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव, डॉक्टर वर्तिका, डॉक्टर रेणु गौड़, डॉक्टर शीला त्रिपाठी, प्रीति श्रीवास्तव, राकेश रैना, डॉक्टर रजनी मिश्रा, डॉक्टर अजीता श्रीवास्तव, डॉक्टर आभा गुप्ता, डॉक्टर सुषमा मिश्रा, ममता, डॉक्टर दिव्या शुक्ला, डॉक्टर करुणा गुप्ता, दीपांजलि समृद्धि कुशवाहा समेत अनेक शिक्षिकाओं सहित समस्त कॉलेज परिवार व एनसीसी व एनएसएस समेत अन्य छात्राओं का विशेष सहयोग रहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला और एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा। लेकिन फिर भी काफी हद तक आपकी सुरक्षा रहेगी। हेलमेट लगाए हैं तो आप एकदम आपका सर सुरक्षित है, सर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। ये बच्चियां स्कूटी से आती होंगी, आती हैं और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वाहन नहीं चलाना चाहिए। आपको कृपया बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के, बगैर अधिकार पत्र के वाहन नहीं करना चाहिए। छात्राएं एनसीसी के हमारे कैडेट्स मीडिया से आए हुए हमारे साथी, हमारे एसआई साहब, इस समय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। इसके पूर्व भी विद्यालय से मुझे एक बार आमंत्रण गया था, एनसीसी की कुछ रैली वगैरह थी, लेकिन इन्हीं कारणों से मैं यहाँ नहीं आ पा रहा था। तब से मैं लगातार सोच रहा था कि मैं जब अगला कोई कार्यक्रम बनेगा तो मैं यहाँ जरूर आऊँगा, और मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि लगभग एक डेढ़ महीने पहले की बात है। और जैसे ही ये सड़क सुरक्षा माह शुरू हुआ तो सबसे पहले मुझे इस विद्यालय का जिक्र मेरे मन में आया, यहाँ पर मुझे जरूर कार्यक्रम करना है। तो उसी के क्रम में मैंने कहा यहाँ पर कार्यक्रम लगाएंगे और मैं अवश्य आऊँगा। आप सभी लोग जानते हैं और पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में न्यूज देखते हैं, रोज कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और एक्सीडेंट में लोग घायल होते हैं। कभी कभी एक्सीडेंट इतना भीषण होता है कि उसमें लोग मर भी जाते हैं, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो जिस घर में ये दुर्घटना टूटती है वो तो घर को जल्दी संभाले नहीं संभालता है। ऐसी स्थिति में पूर्व से ही अगर हम कुछ बचाव करके चलते हैं और इस तरह से देखते हैं एक्सीडेंट कम से कम हो, इसे जीरो तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन सावधानी से और यातायात के नियमों का पालन करने से, अपने ऊपर नियंत्रण रखने से इसको कम जरूर किया जा सकता है। और ये हम सब लोगों का लक्ष्य है कि एक्सीडेंट कम से कम हो। जो भी रोड पर चलते हैं, जरूरी नहीं कि वो वाहन से चल रहे हैं, पैदल भी जो लोग चलते हैं उनको भी यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए।
क्योंकि वो भी कभी कभी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, पैदल चलने वाले। ऐसी स्थिति में अगर हम वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाने का सबसे पहला नियम ये है कि क्या हम वाहन चलाने के लिए अधिकृत हैं, क्या हमारे पास वैध डीएल है, क्योंकि बिना डीएल के अगर हम वाहन चलाते हैं साइकिल को छोड़कर तो वो वैध नहीं है, विधि रूप से वो मान्य नहीं है। अगर हम स्कूटी भी चलाते हैं तो भी हमारे पास डीएल होना चाहिए। यहाँ कितने छात्र हैं स्कूटी से आते हैं, हाथ खड़ा करें, संकोच मत करो, यहाँ नहीं आओ घर पे चलाते होंगे, हम लोग कॉलेज में नहीं आते स्कूटी से, घर पे चलाते होंगे। जो भी स्कूटी या मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर चलाते हैं सबसे पहले उनको अपना लाइसेंस बनवाना चाहिए। जो बिना गेयर की गाड़ी है उसमें 16 साल की जो आयु प्राप्त कर चुके हैं यानी जो 16 साल के हो चुके हैं वो गियर के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और जो गियर वाली गाड़ियां हैं उनके लिए कम से कम ये 18 वर्ष की आयु सीमा है। अगर इससे नीचे की कोई आयु की छात्रा है गाड़ी चला रही है या बिना गियर की गाड़ी चला रही है तो पकड़े जाने पर पेनाल्टी लगती है, और सितंबर 2020 से जो जुर्माने की राशियां बहुत बढ़ा दी गई है। ऐसी स्थिति में आप सभी लोग बिना डीजल के वाहन ना चलो। पहली चीज, आपके घर में अगर कोई चलाता है, आपके भाई चलाते हैं या कोई भी चलाता है तो आप उनको बताएं कि बिना डीजल के अगर वाहन चलाते हैं पकड़े जाएंगे तो कार्रवाई होगी। इसी तरह से अगर कोई चालक जिसके पास डीएल है उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में कोई मर जाता है तो उसमें धारा 304 आईपीसी की लगती है, इसमें बहुत कम सजा है। लेकिन अगर उसके पास डीएल नहीं है तो उस पर 304 आईपीसी की धारा लगेगी जिसमें काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट है। तो डीएल का होना कितना आवश्यक है आप इससे समझ सकते हैं। दूसरे, जब आप डीएल लेंगे तो आपको वहाँ पर आरटीओ ऑफिस में वाहन चला करके दिखाना भी पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब वो पूरी तरह से मुतमइन हो जाएंगे कि आप चला लेते हैं तभी आपको डीएल देंगे, तो इससे ये नहीं होगा कि आप चला नहीं पाते हैं और आप वाहन चला रहे हैं, इसलिए डीएल लेकर ही वाहन चलाएं, रिस्क लेकर के कोई वाहन नहीं चलाना। इसी तरह से जब आप रोड पर चलते हैं कभी कभी रोड की बनावट की वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, पता चला आप अच्छी स्पीड में जा रहे हैं अचानक टर्न आ गया, अंधा मोड़ जिसे कहते हैं, आगे आपको दिख ही नहीं रहा है, सामने से आप कोई वाहन आ रहा है उसमें एक्सीडेंट हो जाते हैं। रोडें इतनी अच्छी नहीं है, रोडों में गड्ढे भी होते हैं, अचानक गड्ढा आ गया आप उसकी नियंत्रित नहीं कर पाए, एक्सीडेंट हो गया। ऐसी स्थिति में हमें बहुत ही नियंत्रित होकर अपने ऊपर नियंत्रण रख के आँख कान खुले रख के रोड को देख करके चलना चाहिए। कभी कभी कुछ नहीं है, अचानक जानवर आ जाते हैं, नील गाय, कुत्ता, गाय, कोई भी जानवर रोड पे आ सकता है, उसके लिए तो कोई ट्रैफिक के रूल है, उसे तो पता नहीं क्या हमें निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए, इसको भी दिमाग में रखना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। तो वाहन इस तरह से इतनी गति से चलाएं कि आपके नियंत्रण में वाहन रहे। देखिए, अगर आप 100 की स्पीड में वाहन चलाएंगे और 60 की स्पीड में वाहन चलाएंगे, अगर आपको 50 किलोमीटर जाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट का समय ज्यादा लगेगा। तो नहीं है वो भी रोड पर घटित हो सकती है। इसी तरह से जब हम विद्यालय के सामने से गुजरे, आप देखते हैं कि विद्यालय में आप लोग आते हैं या जब टाइम पूरा होता है विद्यालय छूटता है तो रोड पर भीड़ होती है, ऐसे में हमें वाहन बहुत धीरे धीरे चलाना चाहिए। कोहरा है, गाड़ी में सर्दियों में खूब कोहरा पड़ता है, कोहरे में आगे बिल्कुल नहीं दिखता, तो कभी कभी वाहन रोड पर खड़े होते हैं, खड़े वाहन में अक्सर वाहन भिड़ जाते हैं, कोहरे में बहुत ही संभाल कर बहुत ही नियंत्रित हमें चलना चाहिए। एक्सीडेंट बहुत होते हैं कोहरे में क्योंकि सामने कुछ दिखता नहीं है और गाड़ी में अगर रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं लगा है तो पता नहीं चलता है, खास करके तो ट्रैक्टर ट्रालियाँ होती है जिनमें पीछे रिफ्लेक्टर नहीं लगा होने के कारण
अगर रोड पर खड़ी तो दिखता नहीं है। ऐसी स्थिति में हमको बहुत मेहनत चलना चाहिए। जैसा कि मेरे किसान साहब ने बताया, हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। देखिए, वाहन के साथ आपको हेलमेट मिलता है, जहाँ से आप वाहन परचेज करेंगे वहाँ से आपको हेलमेट भी मिलता है। लेकिन लोग वाहन को चलाते हैं हेलमेट घर पर रख देते हैं, कभी कभी डिक्की में रख देते हैं। खास करके आप लोग, हम लोग रोड पर जब चेकिंग करते हैं तो लड़कियों को खास करके देखते हैं कि वो बिल्कुल हेलमेट नहीं लगाए, या जो उसका परसेंटेज हेलमेट लगाने का वो कम है, बहुत कम। और अक्सर तीन लोग बैठ के चलती है, ये ठीक नहीं। स्कूटी या बाइक, ये ज़्यादा से ज़्यादा दो आदमी बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा बैठना भी जुर्माने का काम बनता है। तीन सवाल है, विदाउट हेलमेट अक्सर लड़कियाँ मिलती हैं, और जब मिलती हैं उनको रोको रोको तो बेचारी कभी कभी रोने भी लगती है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप हेलमेट लगाइए, और इस समय कोरोना काल चल रहा है, मास्क लगाइए, गाड़ी के कागज अपने मोबाइल में डिजी लॉकर रखिए, आराम से जाइए, न कोई आपको रोकेगा न छोड़ेगा। हम लोग लोगों को रोकते हैं जो या तो हेलमेट नहीं लगाए हैं, या सीट बेल्ट नहीं पहने हैं फोर व्हीलर पर, उन्हीं को रोकते हैं। जो हेलमेट लगा के मास्क लगा के जा रहा है उसको कभी नहीं रोकते। तो आप रोड पर रोके जाएँ, आपकी चेकिंग हो, आपके गार्जियनों को हम लोग बताएं, ये सब चीज़ें ठीक है। और आपकी थोड़ी सी लापरवाही से फाइनली जुर्माना आपके लग जाए, आपके घर वालों को, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं। गाड़ी की नंबर प्लेट आगे और पीछे बढ़िया जिस तरह से प्रेस्क्राइब है लगी होनी चाहिए, और नंबर प्लेट को नंबर के अलावा कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। बहुत लोग बहुत चीज़ें लिखवा लेते हैं, कोई भगवान का नाम लिखवा लेता है, कोई अपनी जात सूचक चीज़ें लिखवा लेता है, ये सब चीज़ें मना हो गई, ये सब चीज़ें नहीं लिखी जानी है। गाड़ी पर केवल नंबर प्लेट लिखा जाना है और कुछ नहीं लिखा जाना है। उसके अलावा अगर कोई चीज़ लिखी है तो ये उल्लंघन है, ये यातायात नियमों का उल्लंघन है, आरसी के नियमों का उल्लंघन है, कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, ये अभियान चला जाए। इसके अलावा आपके घर में, ये तो आपको मैंने बता दिया, इसमें बहुत कम लोग हैं जो वाहन चलाती हैं लड़कियाँ, लेकिन घर में सबके वाहन हैं, सबके घर में वाहन है, तो आपके घर के अन्य लोग जो भी वाहन चलाते हैं अगर बिना हेलमेट के घर से निकलते हैं तो आप उनको टोकिए कि आप हमारे लिए बहुत प्रिय हैं, बहुत जरूरी हैं, अपरिहार्य हैं, आप ऐसे कैसे जा रहे हैं। आप लोग जब टोकेंगे तो आपके आपसे जो बड़े हैं उनको ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जब बड़ों को छोटे लोग टोकते हैं तो उनको तो सर्वश्री फील होती है और उनको लगता है कि हमें करना चाहिए। तो अपने घर में जो टोको अगर कोई बिना हेलमेट के वाहन चलाता है, अपने घर पर जो भी वाहन चलाते हैं तो उनको जरूर बताइए कि बिना हेलमेट आप बाहर नहीं निकलेंगे। इतना इम्पॉर्टेंट गाड़ी की चाबी है, उतना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेलमेट। फिर लोग 100 मीटर पहले ही झपकी आई और 6 लोग मर गए। तो अगर जब उसको नींद आ रही थी वहीं पर आराम करता रेस्ट करता तो हो सकता। प्राचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला, गंगोत्री देवी महिला पीजी कॉलेज। यातायात सुरक्षा माह जो 1 महीने का कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम के अंतर्गत इस कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और मैं एसपी सर के सर ज़्यादा आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस मेरे कॉलेज को चुना और हमारे कॉलेज के बच्चों साथ में शिक्षिकाओं को भी यातायात के नियमों के लिए जागरूक किया, क्योंकि जो सड़क दुर्घटनाएं घटती हैं यह बहुत ही दुखद होती हैं। और इसके साथ ही साथ मेरे कॉलेज में एक अच्छा प्रोग्राम हो जाता है जिससे बच्चे उत्साहित होते हैं, और सर आए इसके सर का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय सड़क यातायात जागरूकता माह के तत्वावधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें यातायात के नियमों का प्रचार प्रसार, यहाँ की बालिकाओं को इसके संबंध में जानकारी देना,
और किस तरह से यातायात के नियमों का पालन करते हुए हम एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बच्चों को विस्तार से बताया गया है।